दोस्तों आपका स्वागत है आपके नए चैनल लर्न टू टर्न में। तो दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें यू टर्न कैसे लेना है और कौन से रास्ते पर हमें यू टर्न नहीं लेना है और कौन से रास्ते पर हमें यू टर्न कैसे लेना है और कितनी स्टेयरिंग हमारी घुमानी है। तो दोस्तों वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे भी पहले मैंने ड्राइविंग के बारे में बहुत सारे लेसन अपलोड किए हुए हैं, कार जजमेंट के बारे में बहुत सारे लेसन अपलोड किए हुए हैं। अगर आप चाहे तो ऊपर आई बटन में जाकर उन्हें देख सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो के साथ। दोस्तों यू टर्न लेने से पहले हमें जान लेना है कि वहां पर यू टर्न लेना लीगल है या फिर इनलीगल है। अगर लीगल है तो हमें ले सकते हैं यू टर्न, लेकिन जहां पर इनलीगल है वहां पर हम यू टर्न नहीं ले सकते। दोस्तों जहां पर हमें ये वाला ऐसा निशान दिखाई देता है, इसका मतलब होता है यहाँ पर यू टर्न लेना सख्त मना है, यहाँ पर हम यू टर्न नहीं ले सकते। अगर आपने वहां पर यू टर्न लिया और किसी ट्रैफिक पुलिस ने देखा तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। और दोस्तों जहां पर ये वाला माने कि राइट वाला राइट में टर्न लेना मना है, तो दोस्तों वहां पर भी हम यू टर्न नहीं ले सकते, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ यू टर्न राइट में ही रहते हैं। और जब हम राइट वाला यू टर्न लेते हैं तब हम हमारी गाड़ी राइट में ही टर्न कर रहे होते हैं। इसलिए हम जहां पर ऐसा सिग्नल रहे राइट में टर्न लेना मना है, वहां पर भी हम यू टर्न नहीं ले सकते। और दोस्तों अगर आप सिंगल रोड पे से चल रहे हो जहां पर एक ही रोड से गाड़ियां आती है जाती है और आपको यू टर्न लेना है और बीच में बोल्ड लाइन है, सिंगल बोल्ड लाइन है या फिर डबल बोल्ड लाइन है, तब आप वहां से भी यू टर्न नहीं ले सकते, क्योंकि बोल्ड लाइन को क्रॉस करना इलीगल होता है। दोस्तों अगर सामने से कोई भी टर्न आए, लेफ्ट टर्न आए, राइट टर्न आए या फिर यू टर्न आए, चाहे आपकी गाड़ी फोर्थ गियर में हो, थर्ड गियर में हो या फिर फिफ्थ वाले गियर में हो, हमें हमेशा हमारी गाड़ी सेकेंड गियर कर देनी है। दोस्तों इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है कि कौन से रास्ते पर हमें कौन सा गियर डालना है। अगर आप चाहे तो ऊपर आई बटन में जाकर उन्हें देख सकते हो। यू टर्न आया, मैंने सेकेंड गियर डाला और अब मैं मेरा यू टर्न पूरा करूंगा। तो दोस्तों स्टेयरिंग वैसे ही हमें वापिस से जगह पर लेकर आनी है लेन में आने के बाद, या फिर स्टेयरिंग को वैसे ही हल्का छोड़ दीजिए, वो अपने आप अपनी जगह पर आ जाएगी। दोस्तों हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ यू टर्न राइट से ही रहता है, राइट से ही हमें यू टर्न लेना पड़ता है। दोस्तों ये यू टर्न लेते वक्त भी हमें जैसे हम टर्न लेते हैं वैसे ही करना है। 50 मीटर्स पहले ही सिग्नल दे देना है, हमें कंफर्मेशन ले लेनी है कि हमारे राइट साइड में कोई नहीं है, मिडल मिरर से देख लेना है कि पीछे भी कोई नहीं है। और दोस्तों ये जो यू टर्न रहता है वो 180 डिग्री का रहता है, कुछ यू टर्न जो रहते हैं उनके बीच में बड़ा डिवाइडर रहता है, इसलिए हमें स्टीयरिंग थोड़ी ही घुमानी पड़ती है। लेकिन कुछ जो यू टर्न रहते हैं वो छोटे से रहते हैं, इसलिए हमें स्टीयरिंग पूरी घुमानी पड़ती है। दोस्तों ये जो अभी आ रहा है ये एक बड़ा यू टर्न है, तो हमें टर्न कैसे लेनी है मैं आपको दिखाता हूँ। यू टर्न है तो हमें थोड़ी सी ही स्टीयरिंग घुमानी है, ये देखिए मैंने पूरी स्टीयरिंग नहीं घुमानी। और हमें यू टर्न लेने के बाद अगर आप जहां पर यू टर्न ले रहे हो वहां पर तीन लेन वाला रास्ता है, तो हमें क्या करना है, मिडल वाली जो लेन होती है वो लेन हमें कैच करनी है, वो लेन पर हमारी गाड़ी लेके जानी है। क्योंकि दोस्तों जब हम यू टर्न लेते हैं तब हमारी गाड़ी स्लो रहती है, इसलिए हमें मिडल लेन पर जाना है, ना कि राइट साइड वाले फर्स्ट लेन पर जाना है, क्योंकि वो लेन जो गाड़ी जल्दी में जाने चाहते हैं, जो गाड़ी फास्ट रहती है उनके लिए रहते हैं, ओवरटेकिंग वाली के लिए रहते हैं। इसलिए दोस्तों हम जब टर्न लेते हैं तो हमें मिडल वाली लेन को फॉलो करना है। और दोस्तों ये आगे एक छोटा सा यू टर्न है, तो मैं क्या करूंगा, मेरी स्टीयरिंग पूरी तरीके से ऐसे घुमाऊंगा और यू टर्न पूरा कर लूंगा। और दोस्तों हमें यू टर्न लेते वक्त कहाँ देखना है, हमें यू टर्न लेते वक्त सामने से देखना है कि कोई गाड़ी आ रही है या फिर नहीं आ रही है, एक नजर सिर्फ सामने डालनी है। और उसके बाद जहां पर हमें जाना है, माने कि जहां पर हमारी गाड़ी हमें लेके जानी है, जिस रोड पर लेके जानी है वहां पर हमारी हमें नजर डालनी है, ना कि जहां पर हमारी गाड़ी पॉइंट आउट कर रही है वहां पर नहीं नजर डालनी है, जहां पर हमें जाना है वहां पर नजर डालनी है। दोस्तों मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने सिग्नल दे दिया, मेरी गाड़ी थर्ड गियर में थी, मैंने सेकंड गियर में कर दी। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमें हमारी गाड़ी हर टर्न लेते वक्त सेकंड गियर में करनी है। दोस्तों हमें यहाँ पर नहीं देखना है, सिर्फ एक नजर यहाँ पर डालनी है और बाद में हमें राइट साइड में जहां पर हमें जाना है वहां पर हमारी नजर डालनी है और मिडल लेन में आकर हमें हमारी गाड़ी आगे लेके जानी है। अगर दोस्तों हमें दो डिवाइडर के बीच में से यू टर्न लेना होगा, यू टर्न लेना है तो हमें क्या करना है, कैसे यू टर्न लेना है, हमें जो डिवाइडर की राइट वाली साइड है वहां पर
हमारी गाड़ियां ऐसे क्रॉस लेकर जाकर खड़ी करनी है, हमें कंफर्मेशन लेना है कि सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, अगर आ रही होगी तो हमें यहाँ पर ही ऐसे रुकना है, अगर नहीं आ रही है तो हमें पूरी तरह स्टेयरिंग घुमा कर यू टर्न ले लेना है। और अगर आप जो गाड़ी चला रहे हो वो रास्ता टू लेन वाला रहेगा तो हमें लेफ्ट में हमारी गाड़ी रखनी है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि हर टर्न लेते वक्त हमें सेकेंड गियर डालना है, लेकिन दोस्तों अगर समझो कि टर्न लेते वक्त हमारी गाड़ी रुक जाती है, जगह पर खड़ी हो जाती है, तब हम हमारी गाड़ी सेकेंड गियर पर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट गियर लेकर हमारी गाड़ी आगे बढ़ा देनी है। अगर दोस्तों हम दो डिवाइडर के बीच में से टर्न ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें कुछ इस तरीके से हमारी गाड़ी खड़ी करनी है कि जो डिवाइडर का राइट वाला हिस्सा रहता है वह हमारे बोनट से बराबर ऐसा मिलना चाहिए, वैसे हमें गाड़ी क्रॉस लेकर जाकर हमें खड़ी करनी है, और जिससे कि सामने वाले अपोजिट साइड वाले रोड से आने वाले गाड़ी को भी पता चलेगा कि हम यू टर्न ले रहे हैं और वो उस तरीके से अपनी गाड़ी कंट्रोल करेगा और हम यू टर्न ले पाएंगे। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि यू टर्न लेते वक्त ना कि अपोजिट साइड डायरेक्शन में देखिए, जहाँ से गाड़ियाँ आ रही है वहाँ पर ना देखिए, हमें जहाँ पर जाना है वहाँ पर देखिए, क्योंकि दोस्तों आपने पीछे देखा ही होगा मैं दो डिवाइडर के बीच में यू टर्न ले रहा था, मेरी नज़र राइट साइड में थी, मुझे जाना है वो साइड में थी, इसलिए जो वो बाइक वाला आ रहा था उससे मैं टकराया नहीं। अगर मेरी नजर लेफ्ट साइड में रहती तो वो जो बाइक वाला गुजर गया उससे मैं टकरा सकता था। इसलिए दोस्तों हमें क्या करना है, जहां पर हमें जाना है वहां पर हमारी नजर रखनी है, ना कि जहां से गाड़ियां आ रही है या फिर हमारी गाड़ी पॉइंट आउट कर रही है वहां पर नहीं, या हमें जहां पर जाना है वहां पर हमें हमारी नजर रखनी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो के साथ आते रहता हूँ। और दोस्तों हमेशा गाड़ी चलाते वक्त अलर्ट रहिए और अगर ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए और अपने मोबाइल से दूर रहिए। और दोस्तों अगर आपको मेरे और ज्यादा वीडियो देखने हैं तो अभी ये स्क्रीन पर आ गए होंगे या फिर बाद में आ जाएंगे। अगर आप दोस्तों चैनल को हेल्प करना चाहते हैं तो मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा, उससे आप शॉपिंग कर चैनल को हेल्प कर